फ्रीलांसिंग को कैसे शुरू किया जाए, फ्रीलांसिंग को कैसे सीखा जाए, फ्रीलांसिंग के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, कितना तजुर्बा चाहिए होता है, कितनी तालीम चाहिए होती है, इसके अलावा ये कि फ्रीलांसिंग में कितना टाइम देना पड़ता है और किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, वो भी महाना के लाखों, इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने जा रहा है। आज मैं आप लोगों को कोई ऑनलाइन अर्निंग का मेथड नहीं बताने वाली हूँ, कोई मैं आप लोगों को काम नहीं सिखाने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये मुझसे बारहा पूछते हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि हम फ्रीलांसिंग को कैसे सीखें, कहाँ से फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करें। तो अगर इस स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीज़ा राना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग को कहाँ से सीख सकते हैं और किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जो है ये खालिस्तन आप लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। आप लोग मुझसे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि हम फ्रीलांसिंग को कैसे शुरू करें, तो यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें मैं आपके सामने कोई अपनी वीडियोज़ का प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के कोर्सेज कर लें और इसके जरिए आप कमा पाएंगे, बल्कि मैं आप लोगों को कुछ और बताऊंगी जो कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाने में मदद देगी। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि फ्रीलांसिंग को सीखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रीलांसिंग सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज की जिसकी जरूरत होती है वो होता है सबसे पहले आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के साथ चाहिए होता है आप लोगों को एक इंटरनेट कनेक्शन जो कि अच्छा हो, स्पीड वगैरह उसकी तेज हो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर चाहिए होता है आपको लैपटॉप। अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के जरिए काम करना इज क्वाइट ईजी। तो अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आप अभी लैपटॉप परचेज करें बाद में आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। अभी आप अपने मोबाइल फोन से ही काम करें और जब पैसे कमाने लगें फिर आप लोगों ने लैपटॉप लेना है। अब जो दूसरी चीज आ जाती है वो क्या है, वो ये है कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है। तो देखिए फ्रीलांसिंग के लिए आपकी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिग्रियां नहीं चाहिए होती हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग का जो काम होता है वो स्किल बेस्ड होता है, मतलब ये कि जितनी ज्यादा आपके पास स्किल है उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर कमा पाएंगे, इतना ही ज्यादा आप यहाँ पर ग्रिप हासिल कर पाएंगे। अब स्किल्स कौन सी होती हैं, बेसिकली फ्रीलांसिंग में आपको स्किल्स ही सीखनी होती हैं जिनके जरिए आप पैसे कमाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो डजंट मैटर आपने अगर मैट्रिक भी नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप बात अच्छे से कर सकते हैं, इंग्लिश की समझ बूझ रखते हैं, तो आप इजीली फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे होंगे कि इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी होनी चाहिए, तो देखिए इंग्लिश आपकी एटलीस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको पढ़ना लिखना वो आना चाहिए। ये होती है इंग्लिश जो आपकी पहले लेवल की होनी चाहिए, ये तो मस्ट है। इसके बाद अगर और अच्छी है तो वो सबसे बेस्ट है, जिसमें आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि फ्रीलांसिंग में हम मोस्टली डील करते हैं फॉरेनर्स को, और फॉरेनर्स को आती है इंग्लिश और हमें जो है फिर उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। जब तक बात रहती है चैटिंग की वो तो आप गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, आप लोगों की कॉल पर बात हो रही होती है, तो उस टाइम पर ज़रूरी है कि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो। लेकिन ये जो मैं कॉल की बात कर रही हूँ कि आपको कॉल पर बात करनी पड़ती है, ये फिर बड़े एडवांस लेवल में आ जाता है। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए शुरू में बस आपकी बेसिक लेवल की इंग्लिश भी काफ़ी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को ज़्यादा कॉल्स पे बात नहीं करनी पड़ती, आप लोगों को चैटिंग ही करनी होती है, तो वो आप गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेके कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की। अब अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो फ्रीलांसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप लोगों के पास अगर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप है तो ईजिली जो है वो आपका काम हो जाता है। अब आपको ये भी पता चल गया कि कितनी तालीम चाहिए, ये भी पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितनी चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता चल गई। जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि फ्रीलांसिंग में आपको कौन सी स्किल सीखनी है। बेसिकली अगर आप फ्रीलांसिंग को समझे तो फ्रीलांसिंग जो है वो एक पूरी की पूरी फील्ड है जिसकी आगे कैटेगरीज बनी हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फ्रीलांसिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप कॉन्टेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप जो है कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप जो है यूट्यूबिंग कर सकते हैं, आप SEO कर सकते हैं, आप इसके अलावा वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की हजारों स्किल्स हैं जो कि आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं। अब ये एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे के सारे काम कर सके। लेट्स सपोज एक टाइम में या तो आप वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, या आप एक अपने चैनल को रन कर सकते हैं, या ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या इसी तरह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है तो आप एक ही टाइम में 3-4-5 कामों को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रीलांसिंग में हजारों स्किल्स आती हैं, हजारों काम
आते हैं तो वो सारे के सारे आप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में हो सकता है ये आप लोगों ने खुद इसके बारे में रिसर्च करना है। किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो अभी शुरू में मैंने आपको कुछ फ्रीलांसिंग की स्किल्स बताई हैं ये हाई डिमांडिंग स्किल हैं, इसके अलावा कुछ और भी हैं। आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर आके इनको सर्च करना है कि 2024 में इन डिमांड स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगी। सेम इसी तरह से आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी, बहुत सारे नाम लिखे हुए होंगे स्किल्स के। आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हर स्किल के बारे में थोड़ी थोड़ी रिसर्च करनी है। लेट्स सपोज आपको पहला आंसर मिला ब्लॉगिंग का, आपने क्या करना है, आपने ब्लॉगिंग के बारे में रिसर्च करना है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, ब्लॉगिंग के ऊपर सारी वर्किंग कैसे होती है। तो इस तरह से आपने इन सारी चीजों का रफली आइडिया लगा लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि ब्लॉगिंग के अंदर होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, इसके अलावा यूट्यूबिंग में क्या होता है। तो ऐसे जब आपने पता चला लिया, फिर आप लोगों ने अपना सेल्फ एग्जामिन करना है, आप लोगों ने अपने आप से पूछना है कि ये जो मैंने अभी काम देखे हैं, जो मुझे पता चले हैं, इन सब में से मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरी जो है एक्सपर्टीज किस चीज में है, मैं कौन सा काम ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ और कौन सा काम ज्यादा खुश होकर कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज आपने अपना सेल्फ एग्जामिन भी कर लिया और आपको ये पता चलता है कि आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, कंटेंट राइटिंग के हवाले से रिसर्च करना शुरू करना है। कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से है, किस तरह से की जाती है, इसमें क्लाइंट से कैसे बात की जाती है, इसमें पैसे कैसे लिए जाते हैं, इसका स्कोप कितना है, इस तरह से आपने अपनी स्पेसिफिक फ्रीलांसिंग स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है। इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप लाजमी ये चाह रहे होंगे कि आप लोगों को एक प्रॉपर कोर्स मिल जाए इस फ्रीलांसिंग स्किल के हवाले से, जिसमें आप ए टू जी हर चीज अच्छे तरीके से सीख सके, आपको कहीं पर भी जाके रिसर्च नहीं करना पड़े, प्रॉपर आप क्लासेस उसकी लेना चाहें। अब ये कोर्सेज के आपके माइंड में आते ही आ रहा होगा कि इसके लिए तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी और हमें जो है वो किसी को पैसे देने पड़ेंगे, तो ये देखिए टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर सो मेनी वेज के आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्सेज कर सकते हैं, एंड अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब कोर्सेज करने के लिए आपको क्या करना है, कोर्सेज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक से दो वीडियो का लिंक मिलेगा। वो दो वीडियोस मेरी ही हैं जो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हुई हुई हैं, जिनमें मैंने आपको कंप्लीट कोर्स करने का तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, जहां पर हर चीज अच्छे तरीके से बताई हुई है। तो अगर आप कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स करना चाहते हैं, हर तरह की फ्रीलांसिंग की ऑलमोस्ट हर स्किल आपको वहां पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाके सिर्फ रजिस्टर्ड होइए, कोई आपको पैसे वगैरह नहीं देने और आप सिंपली वो कोर्स करके जो है फिर अर्निंग कर पाएंगे। अदरवाइज 3 से 4 कोर्सेस आपको मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे, जिसमें अमेज़न आ रहा है, ब्लॉगिंग आ रही है, एटसी के बारे में पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, टीस्प्रिंग पे पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, इसी तरह से यूट्यूब का कोर्स मैंने कल से स्टार्ट किया है, कल मैंने पहली वीडियोस की अपलोड की थी, और आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग एडवांस कोर्स जो है वो भी मैं लेकर आ रही हूं। तो फिर ये है कि अगर आप मुझसे सीखना चाहें वो भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट स्किल्स मैंने हंड्रेड्स में आपको सिखाई हुई हैं, हर वीडियो में मैंने आपको अलग एक शॉर्ट स्किल सिखाई हुई है जिसके जरिए आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। उन शॉर्ट स्किल्स में मोस्टली ये होता है कि आप आज काम शुरू करते हैं, थोड़े से दिनों में आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो हाई डिमांडिंग स्किल होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी स्किल्स होती हैं, उनको सीखने में भी कुछ टाइम लगता है, और फिर वहां से जब आपकी अर्निंग होती है तो वो फिर जो है आपकी 5 figure में और उससे भी ज्यादा जो है वो फिर आपकी अर्निंग होती है। तो आई होप फ्रीलांसिंग के हवाले से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी से शुरू कीजिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इस तरीके से कीजिए, फ्रीलांसिंग को शुरू कीजिए, आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, आप यहां से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जितना ज्यादा जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, बहुत सारे जो है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न भी करने लग गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कॉम्पिटिशन और ज्यादा टफ होता जाएगा, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप अभी से स्टार्ट करें, और अगर आप कॉम्पिटिशन से बचना चाहते हैं तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।